नमस्कार दोस्तों, उन्नति कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भूगोल भाग दो। हम बात कर रहे हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान बुक की। हम देख रहे हैं इसका लाइव वीडियो कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो भी अब तक पार्ट अपलोड हुए हैं, अगर वो आपने सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लुसेंट वीडियो जीके की प्लेलिस्ट में जाइए और इस बुक से संबंधित जो भी वीडियो अब तक बन चुके हैं उन सभी का आप लाभ उठा सकते हैं। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा आपसे कि इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपके पास ये लुसेंट बुक है तो इसको आप एक काम करना कि इसको अपने पास रखिए और अपने साथ रखिए एक हाइलाइटर्स। जो जो पॉइंट मैं आज आपको दिखाऊंगा उन सबको आपने इस बुक में हाईलाइट करना है और टाइम टू टाइम उसका रिवीजन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करेंगे पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध, प्रकाश चक्र, वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित भाग को डिवाइड करती है, बांटती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रकाश चक्र। और पृथ्वी की गतियों को दो भागों में डिवाइड करा जाता है, एक होती है दैनिक गति, एक होती है वार्षिक गति। मतलब एक दिन में चली गई गति को हम दैनिक गति बोलते हैं और एक वर्ष में चली गई सभी गति, मतलब एक एक दिन को ऐड करा और पूरे वर्ष में हमने काउंट करा कि कितनी गति इसने चली, उसको बोलते हैं हम लोग वार्षिक गति। तो जो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट 1 और 2 जो हाईलाइट कर रखे हैं इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा ध्यान से। देखिए इसके बाद में बात करता हूँ आपसे उपसौर के बारे में कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवर्तीय कक्षा में करती है जबकि एक कोकस पर सूर्य होता है। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं उपसौर। ऐसी स्थिति कब होती है, 3 जनवरी को। तो देखिए यहाँ से आपके सामने एग्जाम में एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि उपसौर कब होता है, किस दिनांक में होता है। तो आप याद रखिएगा उपसौर की स्थिति किस दिनांक में होती है, तो वो होती है आपके 3 जनवरी में। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है, 14.70 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं उपसौर के बारे में। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं उपसौर। और ये कब होता है, ये होता है 4 जुलाई को। और पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है, 15.21 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, देखिए ये जो आंकड़ा है आपका डिस्टेंस का इतना किलोमीटर और 14.70 किलोमीटर, ये आपका स्टेट PCS जो आपका MP PCS का जो एग्ज़ाम होता है या फिर UP का होता है तो वहाँ के लेवल में प्री के एग्ज़ाम में ये डिस्टेंस पूछ लेता है। लेकिन SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछता है 3 जनवरी, 4 जुलाई, मतलब उपसौर और अपसौर। ठीक है, बढ़े आगे, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब हम बात करते हैं एपसाइड रेखा क्या होती है। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को सूर्य के केंद्र से ये गुजरती है और इसे क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं एपसाइड रेखा। ये रेखा किस प्रकार की रेखा होती है, ये होती है आपकी काल्पनिक रेखा। तो एपसाइड रेखा किस प्रकार की रेखा है, एग्जाम में ये पूछता है, तो आप याद रखिएगा ये एक काल्पनिक रेखा है और उपसौरिक और अपसौरिक को मिलाने वाली एक रेखा खींची जाती है जो सूर्य के केंद्र से होकर के क्या होती है, पास होती है, गुजरती है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एपसाइड रेखा। अब हम बात करते हैं आपसे अक्षांश के बारे में, लैटिट्यूड के बारे में। भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण में एक मेरिडियन मतलब यम्योत्तर पर किसी भी बिंदु पर पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। इसे अंशों, मिनटों व सेकंडों में दर्शाया जाता है। विषुवत रेखा को शून्य अंश की स्थिति में माना जाता है। यहाँ से उत्तर की ओर बढ़ने वाली कोणिक दूरी को उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिण में बढ़ने वाली दूरी को क्या कहते हैं, दक्षिण अक्षांश कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे भूमध्य रेखा के उत्तर पर क्या होता है, 23.5 डिग्री अक्षांश को हम क्या कहते हैं, किस नाम से पुकारते हैं इसको, इसको हम पुकारते हैं कर्क रेखा के नाम से।
और जबकि अगर यही कंडीशन दक्षिण में होती है तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाती है आपकी मकर रेखा। कर्क रेखा हमेशा याद रखिएगा भूमध्य रेखा के उत्तर में होती है और दक्षिण में कौन सी होती है, मकर रेखा। तो आपको यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग देशांतर की ओर, कि किसी स्थान के कोणीय दूरी जो प्रधान, जिसको हम बोलते हैं पीएम, प्रधान जन्मेतर के पूर्व या पश्चिम में होती है, देशांतर कहलाती है। और यहाँ पर बस केवल एक क्वेश्चन आपको ये याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि विषुवत रेखा पर इसके बीच की दूरी कितनी होती है। बीच की जो अधिकतम दूरी होती है वो होती है आपकी 111.32 किलोमीटर। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि यह क्रमशः पश्चिमी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध इनको कहलाते हैं, और गोलाकार होने के कारण पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। मतलब कि 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितने मिनट का समय लगता है। तो 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को लगेगा 4 मिनट। आपको इसी तरह से अपनी बुक को हाईलाइट करना है, जैसे जैसे ये येलो कलर से हाईलाइट कर रखा है सेम वैसे ही अपने हाईलाइट अपनी बुक को भी करना है। अगर किसी के पास बुक अभी नहीं है तो ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनसे कहूँगा कि अपने साथ पेन पेपर रख लीजिए और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को पेन डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए। अब हम बात करते हैं, देखिए शून्य शून्य अंश अक्षांश एवं शून्य अक्ष अंश देशांतर अटलांटिक महासागर में काटती है। अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो है आपका कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति। कर्क संक्रांति कब होती है, ये होती है आपके 21 जून को। कब होती है, 21 जून को। और बात करते हैं मकर संक्रांति की, ये कब होती है, 22 दिसंबर को। और थोड़ा सा इसके डिटेल के बारे में हम पढ़ते हैं कि 21 जून को सूर्य जो होता है कर्क रेखा पर इतने डिग्री नॉर्थ पर लंबवत होता है, इसे हम कहते हैं कर्क रेखा या कर्क संक्रांति। तो इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, सवाल यहाँ पर आपसे एग्जाम में ये पूछेगा, तो आपको याद रखना है क्या रखना है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और उसी के साथ बात करें अगर वो दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो आपको याद रखना है ये होता है आपका 22 दिसंबर में। इसको बोलते हैं हम लोग मकर संक्रांति, राइट। आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। देखिए ये जो क्वेश्चन है 21 जून 22 दिसंबर, तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं आपके सीजीएल लेवल तक के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसको बड़े ध्यान से नोट करना इसको, और इसको स्किप नहीं करना है माइंड से बिल्कुल भी। अब मैं बात करता हूँ आपसे इक्विनॉक्स के बारे में, मतलब विषुवत के बारे में। यह पृथ्वी की वह कंडीशन होती है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है और सर्वत्र दिन वे रात बराबर होते हैं। विषुवत रेखा पर लंबवत मतलब कि सीधी खड़ी रेखा सूर्य की किरणें पड़ेंगी, और क्या होता है इसमें दिन और रात क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आगे हम बात करते हैं, देखिए 23 सितंबर एवं 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। कब कब, 23 मार्च और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर क्या होते हैं, दिन एवं रात बिल्कुल बराबर होते हैं। दोनों ही डेट आपको याद रखनी है, और आपको डेट याद रखनी है 21 जून 22 दिसंबर 23 सितंबर 21 मार्च, इन इन डेट पर क्या क्या होता है। आगे मैं बात करता हूं अमावस्या मतलब न्यू मून किसको कहते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं सूर्य ग्रहण की ओर, चलिए लगाते हैं ग्रहण। सूर्य ग्रहण जब कभी दिन के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने से सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ती, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण। जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, आंशिक सूर्य ग्रहण, और जब पूरा सूर्य ही कुछ क्षणों के लिए छिप जाता है तो उसे बोलते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा क्या होता है, अमावस्या न्यू मून को ही होता है। आगे हम बात करते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो क्या होती है कि सूर्य की पूरी जो रोशनी होती है चंद्रमा पर पड़ नहीं पाती, तो इसे क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण।
अब एग्जाम्पल के तौर पे छोटी सी बात हम समझते हैं, यहाँ पर हमारा सूर्य और चंद्रमा, ठीक है, ये सूर्य हो गया और ये चंद्रमा हो गया। सूर्य की रोशनी अभी डायरेक्ट क्या पड़ रही है, डायरेक्ट इस सूरज से निकल करके इसकी किरणें इस पर पड़ रही है, चंद्रमा पर, ठीक है। और इसके बीच में अचानक से एक पृथ्वी आ गई। अब इसके बीच में अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि अचानक से एक पृथ्वी आ गई तो क्या होगा, चंद्रमा तक क्या होगा, सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाएगी। तो जब सूर्य के ऊपर किरणें नहीं पहुंच पाएगी चंद्रमा सूरज की, तो क्या होगा, तो सिंपल इसको बोलेंगे चंद्र ग्रहण, राइट। तो चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा मतलब कि फुल मून की रात्रि में ही होता है। इस दिन क्या होता है, पूरा चंद्रमा निकलता है। आगे बात करते हैं समय का निर्धारण। पूरब की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट जो समय होता है वो बढ़ जाता है, तथा पश्चिम जाने पर देशांतर पर 4 मिनट समय घट जाता है। तो कुछ कंडीशंस आपको याद रखनी है, 4 मिनट समय कब बढ़ता है और 4 मिनट कम कब होता है। तो दोनों कंडीशंस आपको याद रखनी है। मैं बढ़ता हूँ आगे, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक्चुअली होती क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चूकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट वे प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, तो वो जगह के नाम बताइए आप। तो ये सभी सागर हैं, आर्कटिक सागर, चूकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से पास होती हैं, मतलब इन सभी को ये क्या करती है, काटती है या फिर गुजरती है। आगे बात करते हैं हम लोग समय जोन के बारे में, इसको बोलते हैं मानक समय। तो विश्व में टोटल कितने जोन हैं, 24 जोन, और प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है कि प्रत्येक जोन कितने डिग्री के बराबर होता है, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री। तब तो याद रखना है, तो ये होता है आपका 15 डिग्री के बराबर। इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर ये गुजरता है भारत मानक समय, और यह समय ग्रीनविच मीन टाइम 5.5 घंटे आगे है। जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तो उस समय भारत में शाम के 5:30 बजेंगे, कितने, 5:30 बजेंगे। आगे हम बात करते हैं, देखिए इसमें और कुछ पॉइंट खास नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं, जैसे कि विषुवत रेखा के बारे में और उष्ण कटिबंध के बारे में। तो विषुवत रेखा के बारे में हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी के मध्य सतह से होकर जाने वाली अक्षांश रेखा है जो उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव से बराबर दूरी पर होती है। यह क्या होती है, यह शून्य अंश अक्षांश रेखा कहलाती है। और विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। अब हम बात करते हैं कटिबंध के बारे में कि कटिबंध होता क्या है। प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा जाता है, इन भागों को कटिबंध कहते हैं। तो उष्ण कटिबंध क्या होते हैं, ट्रॉपिकल जोन क्या होते हैं, तो ये हमको ध्यान रखना है कि विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण का एक भाग होता है। यहाँ वर्ष में 2 बार सूर्य क्या होता है, शीर्ष पर चमकता है, मतलब कि लंबवत सूर्य की रोशनी इस पर पड़ती है, और इस भाग को हम कहते हैं। तो इस भाग का मौसम सदैव कैसा होता है, सदैव होता है यहाँ पर गर्म। आगे बात करते हैं ध्रुवीय कटिबंध। 66 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य स्थित क्षेत्र जहाँ ताप अत्यंत ही कम रहता है, जिसके फलस्वरूप वहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है। फिर हम बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में वैज्ञानिकों में मतभेद है। भूगर्भ में पाई जाने वाली परतों की मोटाई, घनत्व, तापमान, भार एवं वहां पाए जाने वाले पदार्थ की प्रकृति पर अभी पूर्ण सहमति नहीं हो पाई है। फिर भी तापमान, दबाव, घनत्व, उल्काओं एवं भूकंपीय तरंगों पर आधारित परमाणु को एकत्रित करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किए गए हैं। पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भागों में बांटा गया है,
पृथ्वी के अंदर के हिस्सों को कितने भागों में डिवाइड करा गया है? टोटल तीन। सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो है आपका भूपर्टी। बस केवल इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर कि पृथ्वी के ऊपरी भाग को हम बोलते हैं भूपर्पटी। यह अंदर की तरफ 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र होता है। यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों का बना होता है। इसके दो भाग होते हैं, पहला सियाल, सेकंड सीमा। सियाल क्षेत्र में सिलिकॉन और एलुमिना, SI से सिलिकॉन और AI से बना है आपका एलुमिना। फिर हम बात करते हैं सीमा, SI से बना है अगेन सिलिकॉन और MA से बना है आपका मैग्नीशियम। तो इन दोनों से मिलकर के ये पूरा भूपर्टी का निर्माण हुआ है। सियाल और सीमा दोनों में आपको जो भी डिफरेंस है इसकी फुल फॉर्म क्या है ये आपको याद करनी है, राइट। बढ़ते हैं आगे। रेप्टी, असंबद्धता, ऊपरी मेंटल एवं निचले के बीच की सीमा क्षेत्र को रेप्टी असंबद्धता कहते हैं। फिर हम बात करते हैं कोर के बारे में, केंद्रीय भाग के बारे में कि पृथ्वी के केंद्र के क्षेत्र को केंद्रीय भाग कहते हैं। यह क्षेत्र निकेल वे फेरस का बना होता है। उसके बाद का इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो है पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री बढ़ता जाता है। आगे हम बात करते हैं। देखिए, सर आइजक न्यूटन ने साबित किया कि पृथ्वी नारंगी के समान है, बिल्कुल गोल है। ये किसने कहा था? ये कहा था सर आइजक न्यूटन ने। फिर हम बात करते हैं आपसे कि पृथ्वी के बाह्य सतह को चार भागों में डिवाइड करा गया है। पहला भाग कौन सा है? स्थल मंडल। सेकेंड है आपका जल मंडल। फिर है आपका वायुमंडल। फिर फोर्थ है आपका क्या? जैव मंडल। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन से ये पूछ सकता है कि पृथ्वी की बाह्य सतह को कितने भागों में डिवाइड करा गया है। तो आपसे बोलेगा 1, 2, 3, 4, चार भागों में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? चार भागों में। अब बात करते हैं हम लोग स्थल मंडल की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या खास बात है। पृथ्वी के संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित है स्थल मंडल कहलाती है। पृथ्वी के कुल 29% भाग पर स्थल तथा 71% भाग पर क्या है? जल। तो पूरी जो पृथ्वी है कितने भाग पर स्थल है, मतलब कि कितने भाग पर जमीन है, वो आपको याद रखनी है। 29% और 71% पर क्या है यहाँ पर? जल। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का 71% और बात करें दक्षिणी गोलार्ध की तो यहाँ पर 81% क्षेत्रफल में पानी का साम्राज्य है। मतलब कि कितना परसेंट उत्तरी गोलार्ध में पानी है और दक्षिणी गोलार्ध में कितना परसेंट पानी है ये आप याद रखिएगा, क्योंकि CGL में अब GS का लेवल थोड़ा सा बढ़ने वाला है, ठीक है, थोड़ा सा। तो डरना नहीं है, आपको तैयारी करनी है, अपना फोकस बिल्कुल ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करनी है, नोट्स बनाने हैं, रिविज़न करना है और सबसे पहले खुद पर विश्वास रखना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। क्योंकि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर आपका मन हार गया तो समझिए कि आप भी हार गए। आगे मैं बात करता हूँ आपसे कि पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की है और ये कितना मीटर है? 8,850 मीटर। तथा अधिकतम बात करें गहराई की तो ये है आपकी गहराई मरियाना गढ़, और इसकी गहराई की जो लंबाई है वो है आपका 11,022 मीटर। इस प्रकार पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई एवं अधिकतम गहराई में लगभग 20 किलोमीटर का अंतर है। कितना अंतर है? 20 किलोमीटर का अंतर है। अब हम बात करते हैं चट्टानों के बारे में, रॉक। पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहा जाता है, जो पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाई होती है। उत्पत्ति के आधार पर इसको तीन भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला जो है वो है आपका आग्नेय, सेकंड अपसादी, थर्ड है आपका कायांतरित। पहले हम बात करते हैं आग्नेय चट्टानों के बारे में।
ये एक्चुअली क्या होती है? ये मैग्मा या लावा के जमने से बनती है, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेगमाटाइट, डायोराइट, ग्रेबो आदि। ये कुछ नाम है तो आप याद रखिएगा। आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? मैग्मा या लावा जब जम जाता है तब कौन सी चट्टानों का निर्माण होता है? तब होता है आपका आग्नेय चट्टानों का। तो यहाँ पर ये आप लाइन याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूँ मैं फिलहाल बेसाल्ट के बारे में। बेसाल्ट में किस चीज़ की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो लोहे की मात्रा यहाँ पे क्या होती है? सर्वाधिक होती है। इस चट्टान के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है। बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है, लेकिन यहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? तो ये होता है काली मिट्टी का निर्माण। अब बात करी जाए काली मिट्टी में कौन सी फसल होती है, तो ये होती है कपास। कपास का उत्पादन किसमें होता है? काली मिट्टी में। और मैक्सिमम काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है आपकी महाराष्ट्र में। याद रखिएगा कहाँ पर? महाराष्ट्र में। आगे मैं बात करता हूँ आपसे पेगमाटाइट। पेगमाटाइट जो है आपका कोडरमा, ये कहाँ पर है? झारखंड में पाए जाने वाला अभ्रक इन्हीं सेल में मिलता है। तो अभ्रक कहाँ पे मिलता है? ये अभ्रक मिलता है आपका कोडरमा में पाया जाता है और पेगमाटाइट टाइप की चट्टानों में। आगे हम बात करते हैं आपसे बैथोलीथ के बारे में। यह सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड है। सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड का नाम बताइए, तो वो है आपका बैथोलीथ। यह मूलतः ग्रेनाइट से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है ग्रेनाइट से। आगे हम बात करते हैं लैकोलीथ। एक था आपका बैथोलीथ और एक है आपका यहाँ पर लैकोलीथ। जब मैग्मा ऊपर की परत को जोर से ऊपर को उठाता है और एक गुंबद आकार का क्या होता है, रूप में जम जाता है, मतलब छतरी सी बन जाती है, ठीक है। जब छतरी बन जाती है, एक गुंबद सा बन जाता है टॉप में, तो इस प्रकार की जो चट्टाने बनती है उसको हम बोलते हैं लैकोलीथ। मैग्मा के तेजी से ऊपर उठने के कारण यह क्या होता है, गुंबद आकार बन जाता है। जैसे एक बॉल होती है, बॉल को हाफ काट दो, जिसे बोलते हैं अर्धगोला। मैथ में आपने पढ़ा होगा अर्धगोला, तो यह अर्धगोलाकार शेप में बन जाता है, एक छतरी नुमा बन जाता है, दिखाई देता है। और उत्तरी अमेरिका के पश्चिम भाग में लैकोलीथ के कई एग्जाम्पल पाए जाते हैं। तो कौन से भाग में आपको लैकोलीथ के एग्जाम्पल मिलते हैं, उदाहरण देखने को मिलते हैं, वो जगह का नाम बताइए। तो वो जगह का नाम है आपका उत्तरी गोलार्ध। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर आपसे अफसादी चट्टाने किस प्रकार की होती है। ये होती है परतदार। तो उसके बाद हम बात करते हैं आगरा का किला एवं दिल्ली का लाल किला किस प्रकार के पत्थर से बना हुआ है। तो ये बना हुआ है आपका बलुआ पत्थर नामक अफसादी चट्टानों से। तो ये क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेता है कि किले का निर्माण किस प्रकार के पत्थर से होता है, तो वो होता है आपका बलुआ पत्थर से, या बलुआ पत्थर किस प्रकार के चट्टानों की सहायता से प्राप्त होता है, तो वो होता है हमको अफसादी चट्टानों से। तो आप ये याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं चट्टानों का रूपांतरण किस प्रकार से होता है। आग्नेय के नाम है यहाँ पर और कायंत्रित, फिर हम बात करेंगे अफसादी और उसके कायंत्रित। ग्रेनाइट का कायंत्रित रूप है निस, बेसाल्ट का कायंत्रित रूप है आपका सिस्ट, और बिटुमिनस कोयले का कायंत्रित रूप है आपका ग्रेफाइट। उसके बाद हम बात करते हैं बलुआ पत्थर का कायंत्रित जो रूप है वो है आपका क्वार्ट जॉइट, लिग्नाइट कोयले का है एंथ्रासाइट कोयला, स्लेट का है आपका फाइलाइट। अब हम बात करते हैं ज्वालामुखी के बारे में कि ज्वालामुखी क्या होता है। ज्वालामुखी के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं कि हम लोग भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ लावा, राख, भाप तथा अन्य गैस बाहर निकलती है। बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही क्या होता है, ठंडा हो जाता है, जम जाता है, छोटे ठोस टुकड़ों में ये बदल जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं सिंडर। और ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं, आप याद रखिएगा। ज्वालामुखी कितने टाइप के होते हैं, तो ये होते हैं आपके तीन प्रकार के। पहला होता है आपका सक्रिय ज्वालामुखी, सेकंड होता है आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी, थर्ड होता है आपका शांत ज्वालामुखी, जिसको बोलते हैं डेड ज्वालामुखी। पहले हम बात करते हैं आपसे सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में।
क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। देखिए सक्रिय ज्वालामुखी, इसमें अक्सर क्या होता है, उद्गार आते रहता है, मतलब कभी भी ये क्या होते हैं, ये एक्टिव होते हैं हमेशा, कभी भी इसमें ज्वालामुखी फट सकता है। वर्तमान समय में विश्व के सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या कितनी है, तो ये है आपके 500। इनमें प्रमुख है इटली का एटना तथा स्ट्रोम्बोली। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रोम्बोली के बारे में कि स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर में सिसली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित है। इसमें सदा सदा क्या होती है, प्रज्वलित गैसें निकलती रहती है और इस कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। आगे हम बात करते हैं आपसे कि कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। एक्टिव जो वॉल्केनो होते हैं उसका मैक्सिमम भाग कौन से सागर में पाया जाता है, यहाँ से आपके एसएससी एग्जाम में कुछ इस तरह से क्वेश्चंस कई बार पूछा गया, तो आप याद रखिएगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्निवलय मतलब फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक भी कहते हैं और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। कौन से महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाए जाते, तो वो है आपके लिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। आगे हम बात करते हैं, देखिए विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है पर्वत, वो है आपका कोटोपैक्सी। ये कहाँ पर है, ये है आपका इक्वाडोर में। जिसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 19,613 फिट। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, कोटोपैक्सी, और इसकी हाइट कितनी है, 19,613 फिट। उसके बाद हम बात करते हैं विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, मतलब जो एक्टिव है, कभी भी उसमें से ज्वालामुखी का उद्गार हो सकता है। उसका नाम है आपका ओजस डेल सालाडो। ये एडिस पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली देश के सीमा पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ये अर्जेंटीना और चिली देश की सीमा पर स्थित है। अर्जेंटीना चिली का जो बीच का स्थान है, वहाँ पर ये है कौन सा ज्वालामुखी, ये है आपका ओजस डेल सालाडो। और ये किस प्रकार का ज्वालामुखी है, ये है आपका सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, तीनों चीज़ें याद रखनी है आपको, ये ज्वालामुखी कौन से पर्वत पर है, एडिस पर्वत पर, और विश्व का सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी है और किन किन सीमाओं के बीच में है, कौन कौन से देश की सीमाओं के बीच में ये ज्वालामुखी है, तो ये है आपका अर्जेंटीना और चिली के बीच में। काफ़ी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम बात करते हैं कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी, पहले तो हमारा सक्रिय ज्वालामुखी, अब हम बात कर रहे हैं शांत ज्वालामुखी की, तो उसका नाम है आपका एकांकागुआ। ये कहाँ पर है, ये भी आपका एडिस पर्वतमाला पर स्थित है और जिसकी ऊंचाई कितनी है, 6,960 मीटर, तो ये है आपका शांत। अब बात करते हैं हम लोग भूकंप के बारे में कि भूकंप क्या होता है, किस तरह से भूकंप आता है, इसके बारे में। देखिए भूगर्भ शास्त्र का एक विशेष शाखा है, एक ब्रांच है, जिसमें क्या होता है कि भूकंपों का अध्ययन किया जाता है और उसको हम कहते हैं सिस्मोलॉजी। याद रखिएगा क्या कहते हैं उसको, सिस्मोलॉजी। और भूकंप को तीन टाइप के कंपन में बांटा गया है। एक होती है आपकी पी वेव्स, याद रखिएगा पी वेव, एस वेव और एल वेव। एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, याद रखिएगा भूकंप तरंगे तीन प्रकार की होती हैं, पी एस एल। पी से प्राइमरी, एस से सेकेंडरी, एल से लव वेव। एल का मतलब लव, ये साइंटिस्ट था जिसने इन तरंगों की खोज करी थी, उसी के नाम पर इस तरंग का नाम रख दिया। तो फिलहाल एग्जाम में आप याद रखिएगा कि भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं, वो क्या कहलाती है ब्रांच, तो वो ब्रांच कहलाती है जो भूकंपों का अध्ययन करती है, उसको बोलते हैं सिस्मोलॉजी। अब हम बढ़ते हैं प्राथमिक तरंग की तरफ कि प्राथमिक तरंगें क्या होती हैं। यह तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। इसकी औसत वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। यह गति सभी तरंगों से अधिक होती है, जिससे ये तरंगे किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती है और भारी मात्रा में क्या करती है, तबाही करती है। राइट, बढ़ते हैं आगे।
द्वितीय तरंग सेकेंड वेव, इन्हें अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। याद रखिएगा, सेकेंडरी वेव को क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। यह तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर ही गुजरती हैं और इसकी औसत वेग क्या होता है? 4 किलोमीटर पर सेकेंड। आगे हम बात करते हैं एल तरंगे, एल वेव। इन्हें धरातलीय या लंबी तरंगों के नाम से भी जाना जाता है और इनकी खोज किसने करी थी? एच डी लव ने करी थी। इन्हें कई बार लव वेव्स के नाम से भी पुकारा जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी स्पीड क्या होती है। 1.5 से लेकर 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड इसकी स्पीड रहती है। अब हम बात करते हैं कि भूकंपीय तरंग जिससे नापी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, उस यंत्र को हम क्या बोलते हैं? तो उस यंत्र को हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ। तो याद रखिएगा, सिस्मोग्राफ। और कितने टाइप के तरंगों की बात करी हमने? 3 टाइप की तरंगे होती हैं। तो बाकी जो भी हमने देखा वो सब आप एक बार रिवाइज कर लेना, इस वीडियो को एक बार और प्ले करिएगा। इसके बाद मैं बढ़ता हूँ फिलहाल एल तरंगों के बारे में। एल तरंगें केवल धरातल के पास ही चलती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं केंद्र क्या होता है। भूकंप के उद्भव मतलब कि जहाँ से ये स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? उसका केंद्र कहते हैं। भूकंप के केंद्र के निकट पी, एस तथा एल तीनों प्रकार की तरंगें पहुँचती हैं। किस स्थान पर तीनों प्रकार की तरंगें पहुँचती हैं, क्वेश्चन ये पूछता है आपसे। तो आप याद रखिएगा, केंद्र में क्या होता है? तीनों प्रकार की तरंगें जो होती हैं पहुँचती हैं। फिलहाल इसके बाद हम बात करते हैं अधिकेंद्र के बारे में। इसको बोलते हैं एपिसेंटर या एपिसेंटर। तो भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं और अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में सुनामी कहा जाता है। भूकंपीय तरंगों को सुनामी किस देश में कहा जाता है? तो ये है देश आपका जापान। और उसके बाद हम बात करते हैं कि जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उन्हें भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। इसके 3 स्केल होते हैं। पहले स्केल का नाम क्या होता है? रॉसी फेरेल स्केल। और सेकंड होता है आपका मर्केली। एंड थर्ड होता है रिक्टर स्केल। भूकंप को मैक्सिमम रिक्टर स्केल में ही मापा जाता है। तो रिक्टर स्केल के बारे में हम बात करते हैं। इसकी खोज किसने करी थी, इसका विकास किसने करा था? तो इसका विकास करा था अमरीकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर ने। चार्ल्स रिक्टर, रिक्टर इनका सरनेम था, उसी के नाम पर ये पूरा का पूरा जो ये यंत्र है इसका नाम पड़ा। ठीक है। और ये कब खोजा गया था? 1935 में। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात और कि रिक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में कितनी गुना हो जाती है? 10 गुना। स्केल में अगर 1 लिखा है तो 1 के बाद क्या आएगा? 10 गुना 10। 10 के बाद नेक्स्ट न्यूमेरिक नंबर क्या रहेगा? 10 को 10 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? 100 गुना। तो इस तरह से उसमें स्केल में ये नंबर चलते हैं, ध्यान रखिएगा 10 गुना। इस स्केल पर 2.0 या 3.0 की तीव्रता का अर्थ है छोटा मोटा भूकंप, हल्का फुल्का भूकंप जिसमें ज्यादा जान माल की हानि नहीं होती है। ठीक है। लेकिन अगर 6.2 की तीव्रता से भूकंप आया, उससे अधिक भूकंप आया, तो उसको किस कैटेगरी में रखते हैं हम लोग? शक्तिशाली भूकंप की कैटेगरी में। अब हम बात करते हैं देखिए कि पर्वत के बारे में। ठीक है। विभिन्न स्थलाकृति मतलब निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियाँ मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड होती हैं। पहले को हम बोलते हैं पर्वत, सेकंड को बोलते हैं पठार और तीसरे नंबर का होता है मैदान। अभी हम बात करेंगे पर्वत के बारे में। पहली जो कैटेगरी आती है पर्वत की उसको बोलते हैं ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन। जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धस जाता है तो नीचे जो धसा हुआ भाग होता है उसको हम बोलते हैं ब्लैक माउंटेन। ठीक है। तो इस प्रकार का एग्जाम्पल जो है वो है आपका फ्रांस में, जिस माउंटेन का नाम है क्या? वॉसजेस। और एक ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से जो कैटेगरी आती है, ब्लैक फॉरेस्ट आपका जो है वो है आपका ब्लॉक माउंटेन का एक एग्जाम्पल।
तो एग्ज़ाम में आपसे ये पूछता है कि ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर है, तो ब्लैक फॉरेस्ट का मतलब लगता है कि हमको जंगल, लेकिन वास्तव में ये एक माउंटेन का प्रकार है। तो ये बोलते हैं ये कहाँ पर है, ये है जर्मनी में। आगे हम बात करते हैं विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी की घाटी है, जो लाल सागर की बेसिन से होती हुई जम्बेजी नदी तक 4,800 किलोमीटर लंबी है। इसके बाद अवशिष्ट संचित ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। हम बात करते हैं वलित पर्वत की फोल्ड माउंटेन के बारे में। ये पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से बनती है। ये लहरदार पर्वत है जिन पर असंख्य अपनेतियों और अभिनेतियाँ होती हैं। जैसे जैसे हम बात करते हैं इसमें हिमालय, आल्पस, यूराल, रॉकीज और एडीज। याद रखिएगा, जहां आज हिमालय पर्वत खड़ा है वहां किसी समय में टेथिस सागर नामक एक विशाल समुद्र था। ठीक है, उस नाम क्या था समुद्र का? टेथिस सागर। फिर हम बात करते हैं भारत का अरावली पर्वत विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वतों में गिना जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के निकट कहाँ पर है? गुरु शिखर, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। आगे हम बात करते हैं पठार की। धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा होता है तथा शीर्ष भाग चौड़ा और सपाट होता है। सामान्यतः पठार की ऊंचाई 300 से 500 फीट होती है और कुछ अधिक ऊंचाई वाले पठार में एक काउंट सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा जो नाम है वो है आपका तिब्बत का पठार। ठीक है, इसकी हाइट क्या है? 16,000 फीट। बहुत इंपॉर्टेंट ये पठार है, इस नाम को आप स्किप मत करना। ठीक है, बात करते हैं मैदान की। 500 फीट से कम ऊंचाई वाले भूपृष्ठ के समतल भाग को हम क्या कहते हैं? मैदान। तो कितनी ऊंचाई होनी चाहिए? 500 फीट से कम ऊंचाई वाले स्थानों को हम क्या बोलते हैं? मैदान। उसके बाद हम बात करते हैं वनों के बारे में। ठीक है, वन मतलब फॉरेस्ट। तो वन निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन, पर काफी सारे। अभी हम बात करेंगे ए। ए का मतलब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इस प्रकार का वन विषुवतीय रेखीय प्रदेश और उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं जहां 200 सेंटीमीटर अधिक वर्षा होती है। यहां पेड़ों की पत्तियां किस प्रकार की होती है? एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पेड़ों की पत्तियां किस तरह से होती हैं। तो पेड़ों की पत्तियां होती हैं चौड़ी और यहां पर वर्षा कितनी अधिक होनी चाहिए? 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा इसमें होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन। तो इसमें साल, सागवान एवं बांस आदि इसी वन में पाए जाते हैं और वर्षा क्या होती है? 1500 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं टैगा वन की। टैगा वन जो होते हैं ये सदाबहार वन होते हैं। इस वन के वृक्ष की पत्तियां कैसी होती हैं? पत्तियां होती हैं नुकीली। पर्वतीय वन, यहाँ चौड़ी पत्ती वाले शंकुधारी वृक्ष होते हैं। कैसे? शंकुधारी वृक्ष मतलब पर्वतीय वन किस प्रकार के होते हैं? इनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं और ये कोन टाइप के मतलब शंकु की शेप के होते हैं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। आगे हम बात करेंगे पार्ट 3 में महाद्वीप के बारे में और अन्य काफी सारे टॉपिक हम आपसे डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा और जो भी फ्रेंड आपका कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा हो उन तक इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इसी के साथ मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।